क्योंकि उसका बाप ही सैफ अली खान है, तो उसको सैफ अली खान मिला, भाई तुझे सैफ पंचर छाप मिलेगा, क्योंकि बॉलीवुड और रियल लाइफ ये दो अलग चीज है। पर हमारी बेटियां ये समझती नहीं, तो 13-14 साल की बच्ची के दिमाग में ये कि अगर प्यार करना है तो मुसलमान से करो, मैं इतिहास में छप जाऊंगी, मेरी तो लव स्टोरी बन जाएगी। फिर वो अलग बात है, वो 35 टुकड़ों में आती है। दूसरी बात ये कि 25 साल की लड़कियों को ये बिगाड़ रहे हैं, 25 से 35 साल की शादीशुदा महिलाओं को बिगाड़ने का काम एकता कपूर जैसी महिलाएं अपनी टीवी सीरियल के माध्यम से करती है। कैसे करती है कि वो अपने टीवी सीरियल में एक महिला बिल्कुल टिपिकल हमारे ड्रेसअप में, अच्छी सी साड़ी, बड़ा बड़ा मंगलसूत्र, बड़ा सिंदूर, बड़ी बिंदी, पीछे अंबे माँ का बहुत बड़ा स्टैच्यू होगा, आप देखना उसके सारे सीरियल में ये इंडिकेट्स होते हैं कि हिंदू धर्म को बर्बाद कर दो। देखिए, कोई भी देश को बर्बाद करने के लिए बम, बारूद, गोला, असला, मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है। आप उस देश की सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था को खत्म कर दो, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। यही षड्यंत्र चल रहा है। तो इस देश में महिलाओं और बेटियों के दिमाग को खराब कर दो, क्योंकि हम परिवार व्यवस्था में समझते हैं, तो जो बेटी हमारी आज हमारे घर की बेटी है, वो किसी के घर की बहू बनेगी और वो दो परिवारों को जोड़ती है, तो उन परिवारों को बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो होता क्या है, दिखाएंगे क्या सीरियल में, प्यार एक से करेगी, शादी दूसरे से करेगी, फिर जीवन में कोई तीसरा आएगा, दूसरा मर जाएगा, फिर चौथा पसंद आएगा, फिर दूसरा जो मर गया वो जिंदा हो जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगी चौथे के साथ जाओ कि दूसरे के साथ जाओ। यही दिखाती है वो। क्या सच में यहां जो मेरी महिला, मेरी बहनें बैठी है, वो बताओ कि क्या हम हिंदू महिला है? चार चार पुरुषों के साथ संबंध रखती है, बताओ, जोर से बोलो। क्या हमारे परिवारों में ये होता है कि हम एक को पसंद करते हैं, हम दूसरे से शादी करते हैं, फिर हमें तीसरा पसंद आता है, फिर हमारा मर जाता है पति, फिर हमें चौथा अच्छा लगता है, और जो मर गया पति वो सडनली जिंदा हो जाता है, फिर हम कंफ्यूज होते हैं हम किसके साथ जाए? क्या हमारी ये वैल्यू है? यही सीरियल हम देखते हैं और हम तालियां बजाते हैं, और हम हमारी बेटियों को भी यही टीवी सीरियल दिखाते हैं। और इन सारी टीवी सीरियल में एक ही चीज कॉमन क्या है, जो सास है वो एक नंबर की नालायक, जो ननंद है वो एक नंबर की नालायक, और ये दोनों बहू के खिलाफ प्लानिंग करेगी। तो अब जो वनरेबल बेटी अपनी माँ के साथ वो टीवी सीरियल देख रही है, उसका दिमाग कैसे खराब होता है? उसको पहले से ही, जैसे अनकॉन्शियस माइंड में चीजें कैसे काम करती है, उसको दिमाग में पहले ही बैठ जाएगा कि मेरी सास भी मुझे ऐसी ही मिलेगी। क्यों हमारे हिंदू परिवार टूट रहे, क्यों आजकल हमारी बेटियों को ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं आता है, उसे शादी के दूसरे दिन अलग होना है। वो पहला फोन अपनी माँ को करेगी और माँ कहती है ज्यादा चिक चिक करे तो तू आ जाना मेरे घर में। हमारे माता पिता ने हमें ये सिखाया था कि तेरी डोली उठ रही है, तू इस घर में है, वापस तभी आएगी जब तुझे प्यार से आना है, तू तेरी अर्थी वहीं से ही उठेगी, हमें तेरी घर में एंट्री नहीं देंगे। ये हमें बचपन में सिखा दिया गया था, इसलिए आज भी हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, हम ससुराल में रहते हैं। भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था को हमने बनाए रखा है। फिर एकता कपूर क्या करेगी, अनुपमा जैसी सीरियल में, ये एक ऐसी सीरियल है इसमें इतने ब्रेकअप और इतने डिवोर्स दिखा दिए कि इतने तो मुझे लगता है यहाँ जितनी मेरी बहनें और जितने मेरे भाई बैठे इनके जान पहचान परिवार पूरे खानदान में नहीं हुए होंगे, इतने उस एक सीरियल में दिखाए। अब हमारी बेटी जो वहां जाती है उसको लगता है मेरी ननंद नालायक, मेरी सास नालायक, इसलिए आप देखो सास बहू में निपती नहीं, पहले कैसे निपती थी, पहले कैसे रहते थे। और तीसरा जो मैंने कहा ओटी थी, 35 से 45 वर्ष तक की महिला जो कि वर्किंग वुमेन है, जो जॉब करती है, उस महिला को कैसे दिमाग खराब करना है फेमिनिज्म के नाम पर। यदि आप नौकरी कर रही है तो आपको परिवार नहीं चाहिए, आपको पति नहीं चाहिए, आपको सास ससुर नहीं चाहिए, वो सब आपके पैर की जूती, क्योंकि आप वर्किंग वुमेन है, आप नौकरी कर रही है, और एक हाथ में दारू का ग्लास, दूसरे हाथ से सिगरेट फूको, अंग्रेजी में बड़ी बड़ी गालियां बको, और आप अपने आप को फेमिनिस्ट कहो, क्या ये फेमिनिज्म है? ये फिल्म क्यों नहीं बनाते नायिका देवी पर, दुर्गावती पर, रानी कमलावती पर, रानी चिन्नम्मा पर, रानी अब्बका पर, रानी लक्ष्मीबाई पर? ये ऐसी फिल्म क्यों बनाते हैं? ये बनाए रानी नायिका देवी पर फिल्म के जिसने मोहम्मद गौरी को नपुंसक बनाकर गुजरात से मार के भगाया था और वो 13 साल तक वापस भारत में नहीं आया था। ये इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि भारत की बेटी को करीना खान बनाकर उसकी कोख से तैमूर और जहांगीर पैदा करवाने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नहीं चाहते कि हमारे देश की बेटी दुर्गा